दोस्तों, पीटी चेस वर्ड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कटअप व्हील का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कटअप व्हील कौन से साइज़ के होते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, और कितने प्रकार के कटअप व्हील होते हैं। तो आज हम पांच प्रकार के कटअप व्हील के बारे में बात करने वाला हूँ कि पाँच प्रकार के कौन कौन से कटअप व्हील होते हैं। इसमें ये जो हमारे हाथ में है, ये मेटल कटअप व्हील है जिससे हम बस मेटल कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद एक और आपको बताऊंगा जो जिससे दीवार का ग्रूविंग कर सकते हैं और दीवार कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद वुड कटिंग बताऊंगा जिससे आप लकड़ा का कोई भी चीज़ कटिंग करना है तो लकड़ा का कोई भी चीज़ उससे कटिंग कर सकते हैं। तो अभी हमारे हाथ में ये मेटल कटिंग व्हील है, इसको हम अभी ग्लेंडर में चढ़ा के और कटिंग करके आपको बताऊँगा कैसे कटिंग होता है और कैसे कटिंग करते हैं। अभी हम ग्लेंडर में चढ़ा रहा हूँ, चढ़ाने के बाद से हम कटिंग व्हील का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम इसको ग्राइंडर व्हील में चढ़ा दिया और अब इससे हम कटिंग करेंगे। और ख़ास करके आपको ध्यान रखना है कि ग्राइंडिंग व्हील चढ़ाते टाइम आपको एकदम स्ट्रेट चढ़ाना, जिससे कुछ बेड़ा हो और लूज टाइट ना हो। तो आपको अच्छी तरह से ग्राइंडर का जो बोल्ट है उसको टाइट कर लेना है, उसका स्पिनर आता है उससे टाइट कर लेना है बिल्कुल, ताकि चालू में खुले ना। और अभी मेरे हाथ में एक स्क्वायर बार है, उसको हम बेंच बेस में बांध के और इसको कटिंग करेंगे। कोई भी चीज़ आपको कटिंग करने से पहले उसको आपको क्लिप कर लेना होगा या फिर बेंच बेस में बांध के आपको कटिंग करना चाहिए, ताकि ग्राइंडिंग व्हील टूटे तो आपको लगे ना या फिर उससे आपको कुछ नुकसान ना हो। तो अभी मैं कंप्लीट इसमें बेंच बेस में बांध लिया और फिर मैं किसी एक साइड से कटिंग करूँगा, यानी अभी इस साइड से कटिंग कर रहा था, वहाँ पे बैलेंस हमारा नहीं बनेगा तो इस साइड से हमारा बैलेंस बनेगा। और जब भी आपको ग्राइंडिंग करना है या कटिंग करना है तो चालू करके आपको एक बार चेक कर लेना पड़ेगा, ताकि हमारा जो व्हील है वो स्ट्रेट घूम रहा है कि नहीं अभी। और कटिंग करते समय आपको बैलेंसिंग करके कटिंग करना है, ताकि कुछ नुकसान ना हो। देखिए अभी एकदम 30 से 35 सेकेंड में ये कटिंग हो गया। कटिंग होने के बाद कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। उसके बाद अभी मैं वुड कटिंग करके बताऊंगा। अभी ग्राइंडर व्हील को, जो ग्राइंडिंग व्हील है, इसको खोल के और फिर मैं वुड कटिंग व्हील्स इस पे चढ़ाऊंगा टाइट करके और फिर वुड कटिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो अभी ये जो है वुड कटअप व्हील्स है, इससे हम सिर्फ वुड ही कटिंग कर सकते हैं, बाकी कुछ हम इससे नहीं कटिंग कर सकते हैं। ये दीवार में नहीं चल सकता है, मेटल में नहीं चल सकता है, इससे बस आप वुड कटिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको बेंच बेस में एक वुड बांधा हूँ, यानी लकड़ा बांध के और इसको कटिंग कर रहा हूँ। कटिंग करते समय आपको बैलेंसिंग का ध्यान रखना है। देखिए अभी 30 से 35 सेकंड में ये भी कट गया और बड़े ही आराम से बिना कोई दिक्कत के आप इससे वुड कटिंग कर सकते हैं, जो बिना झंझट के 30 से 35 सेकंड में ऐसा वुड कटिंग करना है तो आराम से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैं दीवार कटिंग कटअप व्हील आपको दिखाऊंगा। तो ये है हमारा दीवार कटअप व्हील, जिससे हम दीवार कटिंग कर सकते हैं। दीवार या पत्थर या और भी कुछ, जैसे जो ज़मीन में, यानी सीमेंटेड है, कॉन्क्रीट है या फिर दीवार है, तो इसे कटिंग कर सकते हैं। ये आगे जो व्हाइट कलर का लाइनिंग है, इसमें डायमंड कट होता है, जिससे दीवार या मिट्टी या फिर कोई ईंट, इससे आप कटिंग कर सकते हैं। और ये किसी चीज़ में नहीं चलता है, ये मेटल में यूज नहीं कर सकते, मेटल में ये नहीं चलता है, स्पेशल आपको दीवार कटिंग के लिए बनाया है। खास करके इसका ज़रूरत कहाँ पड़ता है, जब भी आप दीवार कटिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए वायरमैन होता है, वो अंडरग्राउंड उसको वायरिंग करना है, तो खास करके इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर अदर जगह भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी ये वुड कटिंग व्हील्स मैं खोल दिया और इसको मैं चढ़ाऊँगा इसके ऊपर चढ़ा के, फिर जैसे इसको यूज करते हैं सेम उसी प्रकार से आपको दीवार पर इसको यूज करना है। अभी हमारे पास दीवार नहीं है, नहीं तो मैं कटिंग करके दिखा देता, और दीवार कटिंग करने का नहीं है, नहीं तो मैं दीवार कटिंग करके आपको दिखा देता। और ये जो है देखिए कुछ इस प्रकार से चलता है, और ये यूज किया हुआ है, पर दिखाने के लिए मैं आपको बस ये इस पर चढ़ा के दिखाया कि सेम उसी प्रकार से इसको भी चढ़ाते हैं। सभी का RPM सेम RPM पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है बफिंग व्हील है, जिससे आपको अगर मेटल कटिंग किए हैं और ग्राइंडिंग करना है, ग्राइंडिंग के बाद से आपको सरफेस फिनिश लाना है, तो इसके इस्तेमाल से आप सरफेस फिनिश ला सकते हैं। कोई भी मेटल का, जो भी मेटल का चीज़ है, उसमें इससे सरफेस फिनिश ला सकते हैं। ग्राइंडिंग करने के बाद हम बफिंग व्हील का इस्तेमाल करते हैं, उसके पहले नहीं, नहीं तो क्या होगा कि ये
मफिन बिल टूट जाएगा। ये पुराना है, देखने में आपको ऐसा छोटा दिख रहा है, वो पुराना था, इसके लिए बराबर नहीं। नहीं तो ये जो ग्राइंडिंग व्हील दिख रहा है इसके बराबर होता है, थोड़ा इससे थिकनेस में ज़्यादा होता है। यह है ग्राइंडिंग व्हील, जिससे बस ग्राइंडिंग ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ग्राइंडिंग व्हील का, पफिंग व्हील का और कटिंग व्हील का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से अलग अलग जगहों पर कर सकते हैं। और ख़ास करके आपको ध्यान रखना है, सेफ्टी का खास करके ध्यान रखना है, ताकि टूटे तो लगे ना, हाथ में ग्लव्स पहन लेना है और आँख में चश्मा होना चाहिए। और इस तरह से जो भी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ है उसके इस्तेमाल से आप ये सब आपको करना चाहिए, ताकि इससे कुछ टूटे फटे तो आपको लगे ना और इससे कुछ नुकसान ना हो। और साइज के लिए इसके ऊपर लिखा होता है जो साइज का आपको चाहिए, चाहे कटअप बिल हो, चाहे ग्राइंडिंग बिल हो, चाहे वॉपिंग बिल हो, चाहे और कोई भी ग्राइंडिंग का में यूज करने वाला आइटम है, वो उसके ऊपर साइज लिखा होता है। और इसका साइज 4 इंच है, और सभी का साइज जो मैं दिखाया उसका साइज 4 ही इंची है, और सेम आरपीएम पर चलेगा, 16 mm इसके आईडी आता है, जो टाइट करते हैं वो 16 mm होता है। और भी साइज़ के आते होंगे, लेकिन अभी हमारे पास ये जो हम यूज करते हैं वो आपसे मैं दिखा रहा हूँ। ये कटअप बिल है, वो भी 4 इंच का ही है, और ये ग्राइंडिंग बिल है, ये भी 4 इंच का ही है जो अभी मैं चढ़ा रहा हूँ ये। और जो भी इस ग्राइंडिंग में आता है वो सभी 4 इंच का इस्तेमाल करने को आता है, जो भी चीज़ इसमें इस्तेमाल करते हैं, और 4 इंच से बड़ा होता है तो अच्छा नहीं। और 4 इंच का जो होता है उसका 16 mm आईडी होता है, यानी जो जहाँ टाइट करते हैं वो, जैसे वो ये दिख रहा है, ये जो अभी मैं खोल रहा हूँ उसका नट, वो 4 इंच में 16 mm उसका आईडी होता है। तो आज के लिए